हेलो वेलकम स्टूडेंट, यू आर वाचिंग मैथमेटिक्स क्लास ऑन एक्सरसाइज 1D. सो दिस इज द न्यू एक्सरसाइज ऑन अप्रॉक्सीमेशन. ओके, तो अप्रॉक्सीमेशन मीन्स व्हाट? नियरेस्ट टू, करीब. मतलब ये हुआ कि कभी कभी इट इज़ नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड टू गिव द एग्जैक्ट नंबर. ओके, कभी कभी ये ज़रूरी नहीं होता कि हमें एग्जैक्ट नंबर बोलना पड़ता है. जैसे देखो, मान के चलो कि आज आप कहीं पार्टी में गए, तो अगर आपसे किसी ने कह दिया कि वहाँ कितने लोग आए होंगे, तो हाउ मेनी पर्सन वी आर प्रेजेंट और अटेंड द पार्टी, देन यू विल से नियर अबाउट 200, नियर अबाउट 400. इन दिस वेज यू हैव टू गिव एन आंसर. नो, अगर कोई आपसे पूछेगा कि कितने लोग आए, तो आप कैसे बोलोगे? कम से कम 100 जन आए, कम से कम 200 जन आए, 300 जन आए. अगर 173 लोग हैं, हम लोग 173 तो नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? करीब 200 लोग आए. तो ये हो गया नियरेस्ट टू. तो ऐसे भी हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रॉक्सीमेशन बोलते हैं. इसको हम कभी कभी अराउंडिंग ऑफ भी कहा जाता है. ओके, तो इसके लिए हम इसको कैसे समझाएंगे कि ये आपने अप्रॉक्सीमेट बोला या नहीं बोला? उसके लिए हम इसका सिंबल यूज करते हैं. मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. मान के चलो आपके घर पे पार्टी में कितने लोग आए? 173 पर्सन लोग आए, है ना? तो मैं अगर इसको अप्रॉक्सीमेटली करना चाहूँगा, तो अप्रॉक्स में मैं क्या बोलूँगा? ये कम से कम कितने लोग आए? 200 लोग आए. अगर बाई चांस यहाँ पे लिखा होता 138 पर्सन, तो फिर मैं बोलता करीब करीब कितने लोग आए? 100 लोग आए. तो ये आपको समझना कि मैंने यहाँ पे 200 नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने 200 लिखा. इसका मतलब ये हुआ कि 173 200 के करीब है, 138 जो है वो 100 के करीब है, जबकि 200 तो बहुत दूर है. ओके, तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे? अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे या राउंडिंग ऑफ निकालेंगे. ओके, तो अभी हम आपको समझाएंगे तरीका, हम समझाएंगे कैसे करना है, ये अभी हम क्लियर करेंगे. तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ा ध्यान से सुनना है. अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस. किसका क्या लिखा रखो? नंबर 1, 573 करेक्ट टू द नियरेस्ट 10. नियरेस्ट क्या लिखा है? 10 लिखा है. अब ये देखो, 10 है कहाँ? पहले तो मैं ये देखूंगा. देखो, ये मेरा आ गया 1 10 100, है ना? तो मैं समझ गया कि मेरा टेंस ये है. ओके, देखो मैंने 57 बन गया, है ना? तो 7 टेंस में आ गया. ये जो 3 है, इसको मुझे हटा देना है. तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आप ध्यान में रखोगे, अगर वो 4 से ज़्यादा हुआ, इफ़ इट इज ग्रेटर देन 4, देन यू हैव टू कैरी 1. ओके, अगर ये 4 से बड़ा होता है, तो हम क्या करेंगे? कैरी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, सीधा हम 0 बिठा देंगे. ओके, यानी कि जो नंबर रहेगा वही रहेगा. अब देखो, मैंने देखा ये जो 3 है, ये 4 से बड़ा नहीं है, तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो, पहले मैं आंसर लिखता हूँ. 573 करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 इज. ओके, तो ये 3 जो मेरे 10 तो मेरा ये है, तो ये 1 से में आ गया. इस जो इससे पहले वाला जो डिजिट होते हैं, उसी को हम लोग देखेंगे कि ये 4 से बड़ा है या नहीं. तो मैं देख रहा हूँ ये 4 से बड़ा नहीं है, तो इसको सीधा हम कैसे लिखेंगे? 570. अगर बड़ा होता तो क्या लिखते? फिर वो 1 कैरी हो जाता, फिर यहाँ क्या बन जाता? 580. क्लियर हो गया. अब देखो, यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा है 2 4 5 7 6 करेक्ट टू द नियरेस्ट 1000. अब पहले तो ये देखना कि 1000 आया कहाँ. ये है 1 10 100 1000. देखो, ये आपका 1000 आ गया, मतलब इसको मैं यहाँ पर ये कर दिया. ओके, समझ गए. अब आप देखो, यहाँ पर क्या है? 5 है. तो 5 क्या हो गया? 4 से बड़ा है. 4 से बड़ा है मतलब हम क्या करेंगे? कैरी करेंगे. तो ये जो 2 4 था, पहले इसको मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ. ये जो 4 था, ये 4
फोर का क्या बन जाएगा, फाइव, अब क्या हो जाएगा 000, कैसे बन गया 25,000, क्लियर हो गया। अब इसी में देखो क्या लिखा, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट क्या लिखा है, ए लाख, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी वेरी इजी। देखो पहले देखो कैसे लिखेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, ये लाख आ गया, यानी कि मैंने इसको ऐसे कर दी, यानी कि 31 बना। अब आप देखो ये जो 6 है ये 4 से बड़ा है, मतलब हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे, तो कैसे बनेगा देखो, 3168303 करेक्ट टू द नियरेस्ट क्या लिखा है यहाँ पे, लाख। इसको हम जब चेंज करेंगे तो आपने देखा कि ये 64 से बड़ा है तो कैरी करेंगे तो ये 1 का क्या हो जाएगा, ये जो 1 है वो क्या बन जाएगा, 2, तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, बोलो क्लियर हो गया, वेरी वेरी इजी। ओके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 10, तो इसको हम करेंगे कैसे, देखो क्वेश्चन तो मैंने लिखा नहीं है, तो यहाँ देखते हैं कि एस्टिमेट टू द नियरेस्ट सम, तो इसको यहाँ पे सम में यानी कि नंबर दिया है वो हम लिखते हैं, तो क्या लिखा देखो, 43 + 28, मेरा क्वेश्चन है 43 + 28, ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर लिख देंगे पहले 43 is the correct nearest 10 is, ओके इसका जो 43 है द नियरेस्ट 10 इज क्या बन जाएगा इसका, देखो 1 10, ये 10 है यानी कि 3, 4 से बड़ा नहीं है, तो क्या बन जाएगा 40, ओके क्या बन जाएगा 40 बन जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखें, 28, तो इसका नियरेस्ट 10 क्या आ जाएगा, नियरेस्ट 10 इज क्या आ जाएगा इसका, 30, देखो ये है तो ये 8 मतलब 4 से बड़ा है इसलिए क्या हो जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा। आप एक काम कर सकते हो, नियरेस्ट 10 बोला तो 20, 30, आप देखो 28 जो है वो किसके करीब में है, 30 के करीब में है, इसलिए क्या हो जाएगा 30, अगर 20 के करीब में होता तो मैं 20 लिखता, ओके। लेकिन इससे आसान तरीका ये हुआ जो मैंने आपको बताया। अब इसको हम क्या करेंगे, एस्टिमेशन करेंगे यानी कि सम करेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे देखो, क्या आ गया देखो 40 + 30, ओके तो इसको अगर हम सम करते हैं तो कितना आता है 70, सो इन दिस वे यू हैव टू डू दिस सम, ओके। तो फिर हम इस तरह से आप करोगे तो ऐसे ही आप डिफरेंस, मल्टीप्लाई, डिवाइड भी आपको इसी तरीके से करना है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। See you the next class. Bye bye.